नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, हम जानते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमेशा एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात होती है, जिनके जीवन के सुंदर अनुभवों को सुनकर हम सब प्रेरित होते हैं कि हम कैसे जीवन में आगे बढ़ें, कैसे सफलता को प्राप्त करें, शिखर तक पहुंचें, और जीवन में जो समस्याएं आती रहती हैं, जिनसे हम दो चार होते रहते हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, उन पर भी कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। आज हमारे साथ इस मंच पर हैं श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, जो कि उत्तर प्रदेश के स्टाम्प और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। गुप्ता जी, पहला प्रश्न तो मन में यही उठता है जो भी हमारे मेहमान आते हैं उनसे, कि उन्होंने जिस फील्ड को चुना, उसके चयन के पीछे कारण क्या था। तो मैं जानना चाहूंगा, राजनीति को आपने क्यों चुना? क्योंकि आपने उठाया ऐसा प्रश्न, हालांकि इस मंच पर या यहाँ ये बातें कितनी ठीक है कितनी नहीं, लेकिन पता नहीं, लेकिन मैं क्योंकि अब क्वेश्चन उठाया तो मैं चर्चा करना चाहूँगा। दिन भर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करता था कि रात को अपने घर टीवी देखने दे। वो कहता था मेरा जूता पॉलिश करा के लाओ, ले आते थे। वो कहता था मेरा कूड़ा फेंक के आओ, करके ले आते थे। मन में कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा काम हम नहीं कर सकते। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई, परेशानी उतार चढ़ाव आए, और राजनीति में आना कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था। उसके घर का सारा काम करते थे वो लोग, तो सोफे और कुर्सी और तख्त पे बैठ के टीवी देखते थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, शटर वाला। तो दिन भर काम करते थे, रात को टीवी देखना, बोरा बिछा के बैठ जाते थे आगे टीवी देखने के लिए। एक दिन वो ये जो है जिंदगी एक नाटक आता था बहुत पहले, हंसने का था, वो कोई हंसी की सीन आई, मैं जोर से हंसा। उस मकान मालिक के बेटे ने मेरा कान उमेठा, दो थप्पड़ मारा, घर से भगा दिया। लेकिन बचपन से ही जुनून मेरे मन में रहा। रोने के बाद थोड़ी देर बाद गया तो तमाम गरीब बच्चे उसके घर के बाहर खिड़की से देख रहे थे। मैं भी बच्चों को ऐसे करके खिड़की से देखने लगा, ऐसे पैर ऊँचा करके। जैसी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी, उसने खिड़की बंद कर लिया। मैं घर आया, रोया, थोड़ी देर परेशान हुआ। लेकिन मैं रोता रहता तो मेरे घर टीवी नहीं आता। आज मेरी मुलाकात राधा बहन मेडिटेशन में बताया कि कैसे हम अपने अंदर की निगेटिविटी को हटाएं और कैसे हम अपने अंदर पॉजिटिव शक्ति लेकर के आएं, पॉजिटिव बात करें, निगेटिव चीज़ों को डिलीट करें। तो वही शायद जुनून मेरे मन में था। मैंने कभी नहीं सोचा कि बड़ा काम नहीं कर पाएं। और उस समय जब व्यक्ति किसी के घर का कूड़ा फेंकता हो, किसी घर का जूता पॉलिश कराता हो, उसके लिए टीवी सोचना ही बहुत बड़ा पाप था। लेकिन मेरे मन में आया नहीं मुझे टीवी खरीदना है। मैंने पापा से जिद करी, वो जीपीएफ से कोऑपरेटिव से पैसा लिए, मैंने भी कुछ पैसे इसे इकट्ठे करके रिश्तेदार मामा मौसी यहाँ वहाँ से। उस समय 120 रुपया मिलता था तीन पिक्चर दिखाने का। वीडियो दिखाने लगा लोगों को, जैसे अपने घर में मेहमान बुलाते हैं लोग, पिक्चर दिखाने, पूरी रात तीन तीन पिक्चर देखते थे। और आज आपको मैं बताऊं कि चाहे वीडियोकॉन के मालिक पीनू गोपाल दूध जी हों और चाहे अशोक लीलैंड के मालिक हिंदुजा जी, हम दुबई जाते हैं तो वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और मैंने आज जो महसूस किया, कल से आया हूं, आज सुबह मेडिटेशन, कल भी मैंने डिनर यहाँ किया, आज सुबह ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी किया, जो यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है वो मैंने महसूस किया है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जरूरी ये नहीं हमें विरासत में क्या मिला है, जरूरी ये है कि हम विरासत में क्या छोड़ जाते हैं। प्रॉब्लम जब भी आए ज़िंदगी में, प्रॉब्लम को अगर हम प्रॉब्लम लेते हैं तो उसी में डूब के उसी में हम मर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम को चैलेंज लेना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम को चैलेंज लेते हैं तो रास्ता खोजते हैं, रास्ता निकलता है जी। मैं देखता हूँ कोई आत्महत्या कर लेता है, बिजनेस में घाटा लग गया। कोई शहर छोड़ के भाग जाता है, बिजनेस में घाटा लग गया। कोई अपनी पत्नी बच्चों को जहर देता है, खुद जहर खा लेता है। तो मुझे लगता है कि जब भी कभी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए, प्रॉब्लम को चैलेंज देना चाहिए, और प्रॉब्लम को चैलेंज लेता है तो आदमी आगे बढ़ता है जी। ऐसे ही मैं सफर दर सफर काम करता रहा, और आज वो जो मेरा कान उमेठा था उसको मैं एग्जाम्पल मानता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, कि अगर उसने बात कान ना उमेठा होता, इस बात दिल को ना लगी होती जी, तो शायद आज यहाँ ना होते। राजनीति में आना मेरा कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था। बचपन में मन में था 100 रुपये रोज कमाएं,
100 कमाने लगे तो लगा 300-350 कमाएं रोज, ताकि 10,000 महीना हो जाए। 300-350 लगा तो फिर 1,000 रोज कमाएं, 30,000 हो जाए, फिर 1,000 कमाने लगा, नहीं 3,000-3,500 रोज कमाएं। मैंने देखा कि कभी किसी को पुलिस पकड़ के ले गई बेवजह, कभी किसी की दुकान का सैंपल भर लिया गया बेवजह। अपने किसी रिश्तेदार की मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरे समाज की मदद नहीं कर सकते। यही मन में आया और फिर मैं राजनीति की ओर अग्रसर हुआ जी। और मेरी 23/4/74 डेट ऑफ बर्थ है, और 2006 में मैं राजनीति में आया, पहली बार चुनाव लड़ा, MLA बना। और उस समय भी मेरे सामने बड़ी चुनौती थी, मैं राजनीति का ABCD नहीं जानता था, और जो हमारे सामने थे वो राजनीति के योद्धा पुरोधा, समझिए गामा पहलवान थे, और मैं कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन आम पब्लिक की सेवा, आम पब्लिक, आम जनता की जो सहयोग की भावना थी, इस बात ने वैसे आपको इंस्पायर किया कि नहीं मैं राजनीति में जाऊं और साथ ही इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे भी मैं लड़के जीत सकता हूं, कोई एक तो प्रेरणा जरूर रही होगी। प्रेरणा, मैंने कहा ना कि हम जितना मर्जी रुपया पैसा कमा लें पूरे समाज की मदद नहीं कर सकते जी, जी, तो मतलब समाज की सेवा, ये आपकी समाज की सेवा है। पूरा हम जितना मर्जी रुपया कमा लें पैसा कमा लें जी जी, आप एग्जांपल के तौर पर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत एक योजना लॉन्च की है। हमारे पास कोई आता है कि भैया मेरे बेटे की तबीयत खराब है, और मेरे पास गहना घर में जो भी पैसा था बेच दिया इलाज कराते कराते जी, अभी भी डॉक्टर 70,000 मांग रहा है, जरा फोन कर दीजिए नर्सिंग होम को। फोन करते हैं नर्सिंग होम को, वो कहता 70,000 का बिल है, 20,000 कम कर दे, 50,000 दिला दीजिए। अब वो कहती 50,000 मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो 25,000 है। चंदा करके 10-20,000 उसको दे दिए, उसने 50,000 दे दिया, फिर भी उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर वो दोबारा मारे शर्म के आती नहीं है, या आती भी है तो 10-5,000 से और मदद कर देंगे। जब उसका बच्चा ठीक हो जाता है, जो गाय गांव में बताती है कि नहीं मेरा बच्चा ठीक हो गया, नंदी जी ने मदद की थी, या MLA साहब ने मदद की थी, मंत्री जी ने मदद की थी, उसको सुन के जब 100 लोग आ जाएं, तो 100 लोगों की मदद कैसे कर सकता है? 5 लाख रुपए रोज छोड़ जा बांट सकता है। देखिए आयुष्मान भारत एक इतनी अच्छी योजना कि अब भारत की आबादी की लगभग आधी आबादी को कवर कर दिया इसमें। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी का भाई हो, चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी का बाप हो, चाहे किसी का पति, इलाज के अभाव में उसकी डेथ नहीं हो जी 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 जी। तो आयुष्मान भारत इतनी अच्छी योजना, तो ऐसे ही मेरे मन में था कि हम पैसे रुपए से कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, पूरे समाज की मदद नहीं कर सकते। यही सोच मुझे राजनीति की तरफ खींच के ले आई कि लोगों के मन में एक ये भी बात रहती है राजनीति के लिए कि राजनीति में बहुत अनिश्चितता का माहौल है, चले तो गए लेकिन जीत पाए नहीं जीत पाए, वहाँ भी बहुत उठा पटक की स्थिति है, आपका अनुभव कैसा रहा? जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो लोग मुझे हंसी उड़ाते थे, मैंने कहा ना मेरा कानू मीठा था TV देखने वाले ने, और मैंने कल से आपके यहाँ देखा, मैंने जो भी जोर है जो भी आप बताते हैं, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम की स्थापना आज़ादी से पहले हुई, वहाँ से सेंटर हुआ शुरू हुआ, अभी दादी माँ 95 साल से ज़्यादा की, उनका मैंने आशीर्वाद लिया, एक और दादी माँ आज नहीं है, नहीं तो उनका भी मैं आशीर्वाद लेता, फिर मैं लेने आऊँगा जी जी। वहाँ शुरुआत हुई, जो इसके पीछे थॉट्स है, जिसके पीछे मनसा है, अपने लिए कुछ नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, कैसे दुनिया देश प्रॉब्लम से आगे बढ़े, ऐसी सोच के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि मैंने महसूस किया अपने जीवन में, लोग हंसी उड़ाए कि देखो पागल हो गया है, चुनाव लड़ेगा चुनाव लड़ेगा। मैंने निकाली 2,98,000, 2,89,896 मतदाता थे। मैंने सोचा मेरे घर में 6 वोट है, भाई बहन मम्मी पापा मिला के, तो 50,000 घर से ज्यादा नहीं होगा, किसी घर में 8 होगा, किसी घर में 10, किसी घर में 2 ही। एक एक घर खटखटा डाला और नेता माने नंदी हो गया, और समझिए कि पहला चुनाव लड़े, सबकी जवानें जब्त हुई। तो मेरा ये कहना है कि जब भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को चैलेंज लेना चाहिए जी जी, जी। और प्रॉब्लम को चैलेंज लेते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये एक उन्नति की सीढ़ी हो सकती है। आपने अपने जीवन की भी जो बातें रखी सचमुच हमारे दर्शकों के लिए बहुत प्रेरक है कि व्यक्ति निराश हो जाता है, थक जाता है, बिल्कुल ही कहें कि फर्श से अर्श तक का जो सफर है व्यक्ति अपने जज्बे और चुनौती के आधार पर कर सकता है। आप एक आध्यात्मिक परिसर में आए हैं गुप्ता जी,
और इस आध्यात्मिक परिसर में यहाँ पे भी जो मन के सुकून की बात आपने कही या पॉजिटिविटी की बात कही, उन बातों का यहाँ पे सुंदर ज्ञान दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि आज राजनीति में या समाज में भी अध्यात्म की आवश्यकता है, ताकि व्यक्ति जो ये चुनौतीपूर्ण जो जीवन है उसको चुनौती के रूप में लेके आगे बढ़ने में ये अध्यात्म मदद कर सकता है? लेकिन सच्चे मायने में जो भारत विश्व गुरु कहलाता है वो अध्यात्म की वजह से, आज जो भारत का नाम पूरे विश्व में, भारत की पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, मैं कहने में बिल्कुल कुरेज नहीं करता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। अभी मैं न्यूयॉर्क गया था, परेड होती 38वीं परेड थी, वहाँ की अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की पुलिस, अमेरिका के गवर्नर, उनकी गाड़ियाँ, उनकी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, सब हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोल रहे। तो इस तरह से भारत का नाम प्रधानमंत्री जी ने ऊंचा करने का काम किया है जी। अध्यात्म में कल हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए थे, टूरिज्म मिनिस्टर आई थी, और हम लोग आए हैं यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जा रहे हैं किस तरह से आप, मैं तो आपकी संस्था को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और सबके मन में है कि हम ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, ऐसे मेडिटेशन करें कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन, भविष्य, आज का जो आपका टॉपिक था एनवायरनमेंट को लेकर के, उन्नत खेती को लेकर के, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा वैसे ही हमारा मन होगा, जैसे खान पान होता है वैसे मन होता है, तो मन अच्छा हो, बुद्धि अच्छा हो, देश का विकास हो, देश उन्नति करे, इसके लिए आप काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिसका वर्णन आपने किया और जिस चीज़ का आपने अनुभव किया, तो अध्यात्म के कारण ये सारी चीज़ें बहुत सहज हो जाती हैं कि व्यक्ति आपस में जुड़ाव महसूस करता है, हमारा ये जो एक भाव है वो उसमें पैदा होता है, निस्वार्थ भाव पैदा होता है, और यदि यही ज्ञान और योग जो ब्रह्म कुमारियाँ सिखा रही हैं यहाँ, यदि जन जन तक पहुँचे, समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, तो समाज में जो समस्याएं हैं, राष्ट्र में जो समस्याएं हैं, वो दूर हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, हम आपको बताएं कि अभी मुझे बताया दीदी ने, सच्चाई है ये, चाहे हम लोग ज्योति की बात करते हैं या मस्तिष्क पर जी, आपने जो आपकी संस्था है, जो आपकी ये ब्रह्म कुमारी हमारी बहनें हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट, अपने परिवार में संपन्न लोग आकर के सेवाएं दे रहे हैं, और कोई उनको कोई सैलरी मिल रही, कोई लालच है, ऐसा नहीं है, एक एक लोग समर्पित भाव होकर के काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मतलब यही कहना चाहूँगा, मेरा आना सफल हुआ और मैं परिवार के साथ फिर से दोबारा आऊँगा। मेरे पर RDX रिमोट बम से हमला हुआ था, उसमें एक इंडियन एक्सप्रेस का जर्नलिस्ट और एक सिविल गनर और एक गाय, एक कुत्ता और एक, कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की डेथ हो गई, मुझे सबसे ज़्यादा चोट लगी थी, मैं बच पाया। तब से ही मैं सोच रहा था, जब रक्षाबंधन पे बहन राखी बांधने आती थी तो मैं कहता था कि मैं चलूंगा, हर बार कोई ना कोई वजह से, कोई ना कोई वजह से कैंसिल हो जा रही थी, इस बार भी कैंसिल होते होते, मतलब एक समय आया कि कैंसिल हो गई, लेकिन मैंने कहा इस बार मैं चलूंगा चाहे कुछ भी हो। तो हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल जी, उनसे मैंने माफ़ी मांगा कि कल आप इलाहाबाद होंगे, आपका कार्यक्रम है, तो सर मेरा ब्रह्म कुमारी जी वो माउंट आबू का कार्यक्रम बना हुआ है जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं चला जाऊँ, तो वहाँ से अनुमति मिली, मैं चला आया। चलिए बहुत सुंदर, इस बार जब आप आए यहाँ पे तो एक थीम तो बहुत सारे रखे थे, लेकिन एक खास थीम ये भी था कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए हर एक व्यक्ति क्या योगदान करे। ब्रह्मा कुमारी भी इसी उद्देश्य को लेकर चल रही हैं कि हम स्वर्णिम संसार बनाएं, स्वर्णिम समाज बनाएं। आपके विचार से हर एक व्यक्ति को कौन सा एक कदम उठाना चाहिए ताकि हम समाज को, राष्ट्र को, विश्व को सुंदर और बेहतर बना सके? और मैं बताऊं आपको कि गवर्नर हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने भी अभी पीछे हम लोग गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था वहां पर, उन्होंने चर्चा की कि एक पेस्टिसाइड छिड़का हुआ पेड़ था और सांड आया, गन्ना खा लिया और उसकी डेथ हो गई, इतना शक्तिशाली जानवर। आज दूध की जितनी हमारी खपत है, कितने नकली दूध और कैसे कैसे, तो उन्नत खेती हो, हमारे पैदावार पते। अभी एक बहन ने कहा हल, जो ये सारी समस्याओं का हल हल से निकलेगा हल मीन्स पुरानी खेती जी, बैल हमारे जो छोड़ दिए जाते हैं, तो मतलब वो उनको भी पाले, वैसा ही मन होता चलेगा जी जी जी।
पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ पर जो आए हैं वो ज्ञान लेकर उसको अपने ऊपर अमल करें। उन्होंने बताया कि आप दूसरे को डांटते हो, आप गुस्सा करते हो, आप गुस्सा करते हो तो आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी सांस तेज तेज चलती है, लंग्स पे जोर पड़ता है। तो पहले आप अपने आप को सुधारो, उसका मन दुखी होता है जिसपे आप गुस्सा करते हो, फिर आप बोलते हो उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या रहेगा? तो स्वयं से ही हम सुधार करेंगे जब अपने अंदर से। आज स्वच्छता की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, जब वो निकले और झाड़ू सिंबल हाथ में लिया कि हम स्वच्छता का एक मैसेज दिया। आज और हमारे और आप में ये विचार आया, नहीं तो लोग शीशा ऐसे नीचे करते थे और ऐसे पानी की बॉटल फेंक देते थे, हम खुद करते थे ऐसा जी। लेकिन अब मन में आया नहीं स्वच्छता, उसको रखे रहते हैं कहीं उचित स्थान पर देख करके फेंकते हैं। तो ये जब हम अंदर से स्वयं को बदलेंगे तभी संसार बदलेगा। मतलब जो हम एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं या स्वर्णिम समाज या संसार की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। यदि हम छोटे छोटे बदलाव खुद में लाएंगे तो वो समाज में एक सुंदर बदलाव आएगा। तो यहाँ इस बार जब आप आए, पहली बार आपका आना हुआ है माउंट आबू में, ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में, यहाँ से कौन सी एक बात आप लेकर जा रहे हैं जो लगता है कि इस एक बात को तो जरूर मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करूंगा और अपने साथियों को भी प्रेरित करूंगा कि वो इम्प्लीमेंट करें? मेरे साथ मेरे चार सहयोगी आए थे जी। मैंने मेडिटेशन में चारों को बैठा ला और चारों ने जो सीखा है, जो समझा है, कुछ शेयर कर भी रहे थे, कुछ करेंगे अभी रास्ते में भी जी। लेकिन मैं एक बात तो जरूर सोच के जा रहा हूँ कि हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। हम किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। कभी कभी बात बात पे गुस्सा आती थी, इसने ये गड़बड़ कर दिया, इसने ये गड़बड़ कर दिया। जब हम अपने आप को बदलेंगे और उसको समझाएंगे तो उसको भी लगेगा कि नहीं भैया ठीक कह रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। देखिए हम लोग सामाजिक रूप से समाज के लिए, समाज के काम के लिए व्यक्ति इतनी आशाएं रखता है, वो कहता है भैया आप चाह लो तो हो जाए। हम उसको समझाते हैं कि बताओ ये कागज में 2000 की नोट लिख दे तो नहीं चलेगी ना। हम चाह ले नहीं, कानून जो चाहेगा वो होगा, कानून के हिसाब से। कोई आपके ऊपर अन्याय कर रहा हो, अत्याचार कर रहा हो, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो कुछ आने टेढ़े भी काम लेकर के आते हैं तो कभी कोई गुस्सा लगती, खींच लगती, तो मैंने सोचा कि अब हम गुस्सा नहीं करेंगे। बहुत सुंदर, ये प्रभाव सभी पे बहुत अच्छा पड़ेगा कि गुप्ता जी बिल्कुल अब शांत हैं, प्यार से कर रहे हैं, तो हम भी सब शांति और प्यार से करें। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठा ली तो सबने झाड़ू उठा ली, स्वच्छता अभियान शुरू हो गया। आप तो आपके गुस्सा ना करने से गुप्ता जी आपके सारे साथी भी कहेंगे कि गुप्ता जी नहीं कर रहे तो हम भी अब गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे। चलते चलते यदि मैं यहाँ के अनुभवों को, ब्रह्मा कुमारीज में जो आप आए हैं, इतने बड़े कॉन्फ्रेंस में आए हैं, यहाँ के अनुभवों को यदि आप तीन शब्दों में समेटना चाहें तो तीन शब्द कौन से होंगे? सुख, समृद्ध और स्वस्थ भारत बने, इसके लिए मैं समझता हूँ हमारी इस आपकी संस्था ब्रह्म कुमारी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और मातृशक्ति के रूप में जिस तरह से वो काम कर रही हैं, हम लोग प्रेरणा लेकर के काम करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी इस ओर बहुत काम कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं कि स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की स्थापना हो, इसके लिए हम यहाँ से प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं और काम करेंगे। और आपकी संस्था पूरे संसार में, दुनिया के अनेक देशों में काम कर रही है, तो स्वस्थ भारत के साथ साथ समृद्ध संसार हो, ये भी हमारी शुभकामनाएं। जी जी जी, चलिए आपकी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों तक पहुंच रही हैं और आपकी सुंदर बातें भी हमारे सभी दर्शकों ने सुनी, उसे जरूर चिंतन में लाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं और आपके भी सुंदर भविष्य की हम कामना करते हैं। और चलते चलते मैं आपके सभी दर्शकों को अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया परम आदरणीय जो संत हैं, महात्मा हैं, योगी आदित्यनाथ जी की ओर से भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जी जी, यहाँ के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, गुप्ता जी ने एक बहुत सुंदर सी बात कही, बातें तो बहुत सुंदर सुंदर सी थी, लेकिन एक बात जो मुझे बहुत प्यारी लगी और आप सबको भी लगी होगी कि यहाँ से वो एक सुंदर सी प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूँगा।
और कितनी अच्छी सी बात है ना, व्यक्ति यदि एक संकल्प ले लेता है तो वो संकल्प उसे बहुत आगे बढ़ने में मदद करता है और दूसरे भी इससे बहुत प्रेरित होते हैं। जब वो देखते हैं ये गुस्सा किया करते थे अब नहीं कर रहे हैं, हम भी अपने जीवन में शांति लाएंगे, मधुरता लाएंगे, ये संकल्प सभी के मन में अवश्य आता है। तो हम भी क्यों ना अपने जीवन में यहाँ से ही शुरुआत करें। कई बार हम सोचते हैं कि ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाए तो पूरा संसार बदल जाएगा, लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते। तो अपने आप को बदलने के लिए हम एक संकल्प जरूर लें। जो भी लगता है कि ये कमी है, ये बुराई है, मुझे आज से ये छोड़ना है और अच्छाइयों को धारण करना है। कोई एक भी विचार जब हम ले लेते हैं तो सचमुच वो विचार हमारे जीवन को भी सुंदर बनाता है, समाज को भी सुंदर बनाता है। और यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम समाज को और संसार को सुखमय बना सकते हैं। तो आइए मिलकर के एक कदम इस ओर बढ़ाएं ताकि समाज को सुंदर और बेहतर बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।